अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनिमल लाइक बॉडीज द प्रोटोजोआ के पार्ट 7 में सुपर ग्रुप राइजेरिया के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सुपर ग्रुप राइजेरिया, सुपर ग्रुप राइजेरिया जो है ये अमीबॉइड होते हैं। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से अगर इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखा जाए होते हैं तो अमीबॉइड होते हैं ये, लेकिन जब इनके फाइलोजेनेटिक इनकी स्टडीज़ की गई तो फिर पता चला कि ये जो है अमीबाजोआ और राइजेरिया जो है ये सिस्टाडेक्सा नहीं है। उसके बाद इनके पास जूडोपोडिया होती हैं जो कि बेसिकली सेल के एक्सटेंशन होती हैं जो कि ये यूज़ करते हैं फॉर फीडिंग और लोकोमोशन के लिए। और इनके पास जो जूडोपोडिया होते हैं वो होते हैं फिलोपोडिया। आगे फिर फिलोपोडिया जो है वो फर्दर बनाते हैं एक्सोपोडिया, और उसके अलावा रेटिकुलोपोडिया भी बनाते हैं। अब इसके नेक्स्ट इसके फर्दर टू सब ग्रुप्स हैं, फॉर्मेनाफीरा और दूसरा है रेडियोलेरियन। तो फॉर्मेनाफीरा की अगर बात करें तो फॉर्मेनाफीरा जो है इसको नाम जो इसका फॉर्मेनाफीरा है वो बेसिकली इसका मतलब होता है कि पोर बेरिंग। ये इनके ऊपर जो है वो होल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो होल्स हैं बेसिकली। तो इन होल्स की वजह से इन्हें फॉर्मेनाफीरा कहते हैं। उसके बाद ये मेरीन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं और इनके पास रेटिकुलोपोडिया होता है। जूडोपोडिया जो है फिलोपोडिया ही आगे ऑर्गेनाइज हुए होते हैं, रेटिकुलोपोडिया जो कि नेट लाइक स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर। उसके बाद इनके पास टेस्ट होता है, शेल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अच्छा, जैसे ही फॉर्मेनिफेरस जो है वो ग्रो करना स्टार्ट, जब ये ग्रो करते हैं तो ये न्यू शेल्स क्रिएट करते हैं। तो इनके जो शेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही लीनियर अरेंजमेंट में या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में या स्पाइरल अरेंजमेंट में सारे ऑर्गेनाइज होते जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसके स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है अगर देखा जाए मरमीड्स पैनीज जो है बेसिकली टेस्ट ही हैं इनके फॉर्मेनाफीरेंस के, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जो कि जिनका तकरीबन साइज़ जो है वो बहुत सेंटीमीटर्स का तकरीबन इनका डायमीटर है। हम नेक्स्ट जो है फॉर्मेनाफीरेंस की बात करें तो ये जो है ये फॉसिल रिकॉर्ड में भी पाए जाते हैं कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर, अबाउट 543 मिलियन ईयर्स अगो ये पाए जाते हैं। और ये मैरियन सेडिमेंट्स बनाते हैं जिनमें जिनकी एग्जांपल है वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर इन इंग्लैंड, जिनका तकरीबन ये स्ट्रक्चर है वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर इन इंग्लैंड। उसके अलावा इनके जो इजिप्शियन पायरामिड्स जो हैं वो ये बनाते हैं। तो ये फॉर्मेनाफीरन के सेडिमेंट्स हैं जो कि फॉर्मेनाफीरन्स इनके अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है सेडिमेंट्स बनाते हैं। उसके अलावा जियोलॉजिस्ट जो हैं इनको जियोलॉजिकल स्ट्रेटा जो है उसकी सेडिमेंट्स की लेयर्स को फाइंड करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। आगे जो नेक्स्ट है वो है हेलियोज़ोन्स। हेलियोज़ोन्स भी बेसिकली फॉर्मेनाफीरन से ही बिलोंग करते हैं। ये एक्वेटिक प्रोटोजोआ होते हैं जो कि प्लांक्टोनिक मतलब उसकी सरफेस वाटर की सरफेस के ऊपर या तो जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, प्लांक्टोनिक होते हैं, या फिर सबस्ट्रेट के साथ अटैच किए होते हैं। उसके बाद ये नेकेड भी हो सकते हैं और टेस्ट के अंदर भी हो सकते हैं, शेल भी सिक्रेट कर सकते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इनके पास जूडोपोडिया होते हैं जो कि बेसिकली एक्सोपोडिया होते हैं जो कि इनसे बाहर निकले होते हैं। ये है हेलियोज़ोन्स, ये इनके एक्सोपोडिया जो कि बाहरी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनकी सरफेस से निकली हुई हैं। तो ये हैं हेलियोज़ोन्स। उसके बाद अब जो है वो सेकंड सब ग्रुप था रेडियोलेरिया। रेडियोलेरिया जो है वो इसका ये बेसिकली रेडियोलेरियन का नेम ड्राइव हुआ है रेडियल सिमेट्री की वजह से। दे पोजेस रेडियल सिमेट्री, देयरफॉर दे आर नेम्ड एज रेडियोलेरियंस। इनकी वॉल जो होती है वो पोरस होती है जहाँ से एक्सोपोडिया जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। उसके अलावा इनके पास जो है वो शेल होता है, शेल से इनके ये स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये बाहर निकले होते हैं। जिस तरह ये स्पाइंस हैं तो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स इनके बाहर निकले होते हैं। उसके बाद ये क्लोनीज भी बनाते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ये मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत बड़ी सेवरल सेंटीमीटर्स इनका डायमीटर होता है। तो अभी टेस्ट के बारे में बताया कि टेस्ट बनाते हैं जो कि स्पाइंस जिनसे निकले होते हैं। उसके अलावा जब ये डाई करते हैं तो ये ओशन की फ्लोर पे वहाँ पे अकोमोडेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे जो ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल्स हैं उनमें फॉर्मेनाफीरेंस जो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ रेडियोलेरियंस भी उन्हीं में से एक हैं।